आज हम मलाई सैंडविच बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मलाई, ये घर की फ्रेश मलाई है, और ये वेजीज ले लिए मैंने। मेरे पास खीरा ककड़ी और टमाटर अभी एट प्रेजेंट था, तो मैंने इनको एकदम बारीक कट कर लिया है, और इनके बीज निकाल के इनको मैंने बारीक कट किया है। आपके पास जो भी वेजी हो वो आप इसमें बारीक कट करके डाल लें। तो इसमें हम पहले मलाई डालेंगे, ये मैंने 2 टेबल स्पून मलाई डाल दी है इसमें। अब इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्रश की हुई काली मिर्च है मेरे पास, जो मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। ये होममेड मोजरेला चीज़ है मेरे पास, चीज़ ग्रेट करके डाल दी है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने ब्रेड साइज ले लिए हैं, जिनके एजेस मैंने कट कर दिए हैं। अब इन पे हम ये जो हमने तैयार किया है अपना मसाला, ये लगाएंगे, सैंडविच मसाला। ऐसे ही मैं सारे सैंडविच रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने सैंडविच मेकर ले लिया है, जिसको हम ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो बटर, घी, ऑयल, जिससे आपको पसंद हो उससे ग्रीस कर लें इसको अच्छे से। इसको ग्रीस कर लिया है मैंने, और अब सैंडविच को इसके बीच में रखेंगे, और हम इसको प्रेस करते हुए इसकी सिकाई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्लेम मैंने हाई रखी है, हमें हाई फ्लेम पे ही इसकी सिकाई करनी है, वरना सारी मलाई जो है वो मेल्ट हो जाएगी। अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो मलाई मेल्ट हो जाएगी, इसलिए हमें हाई फ्लेम पे इसकी सिकाई करनी है। तो अब ये हमारे मलाई सैंडविचेस रेडी हैं। तो आप भी ऐसे इस ठंड में इजी वे में ये मलाई सैंडविच घर पे बनाइए। आप चाहे तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। तो इसको इजी वे में घर पे बनाइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू।